आजादी के रंग हक न्यूज के संग और मैं हूँ आपकी होस्ट महनू कुरैशी। मेरे साथ हैं जी मोहम्मद अदनान और आज हम सब मिलके पाकिस्तान का योम आजादी जो है जोश फरोश से मना रहे हैं। आपने हमारा स्टूडियो भी देखा, बड़ा प्यारा सा जो है वो डेकोरेट हो चुका है, हम बड़े खुश हैं। बिल्कुल माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त काम किया हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया और बड़ा खूबसूरत सेट जो है इस वक्त बना हुआ है। और आज हम जो है यहाँ पे जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए मौजूद हैं और आज का हमारा प्रोग्राम जश्न आज़ादी के रंग हक न्यूज़ के संग, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और जी महानूर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप छोटी थी तब आप जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करती थी? अदनान साहब, मैं अभी भी छोटी हूँ और ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ जैसे आप बचपन में करते थे। इसी तरह झंडियाँ लगाते थे, फ्लैग्स लगाते होते थे और इन्जॉय करते होते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे। सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती थी पटाखे, पटाखे बजाते थे। जैसे अभी यहाँ पे पटाखे बजेंगे हमारे बलून्स भी फटेंगे और साथ वो हमें बचपन की जो यादें हैं ना वो ताज़ी हो जाएंगी। और आज सिर्फ हम बचपन की यादें एक दूसरे के साथ अपने व्यूअर्स के साथ ताज़ा नहीं करेंगे बल्कि कुछ गेस्ट भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे उनसे भी कैसे रहा उनका आपका योम आज़ादी, पहले का कैसे रहा। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम। नहीं नहीं, मैं भी अभी यंग हूँ, अभी मैं भी इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ। हमारा बचपन बिल्कुल ऐसे ही होता था, बस झंडियाँ खरीद के घर को सजाना और एक बड़ा सा झंडा घर लगाना और उसके बाद फिर सब दोस्तों के साथ मिल के सारी गलियों में मोहल्लों में घूमना फिरना पाकिस्तान का झंडा लेके नारे लगाना। बिल्कुल नहीं, वन व्हीलिंग नहीं की कभी, नहीं नहीं, वो सिर्फ वैसे घूमते फिरते थे हम वहाँ पर। सो यही थी हमारे बचपन में भी और अभी भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, घर में झंडा लगाते हैं और झंडिया वगैरह भी लगा लेते हैं और पाकिस्तान के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसका इजहार हम 14 अगस्त को करते हैं। आज सिर्फ हम इजहार नहीं करेंगे बल्कि कुछ गेस्ट भी अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे पाकिस्तान के साथ, कैसे उनका एक्सपीरियंस जा रहा है आज तक, जिस तरह भी उन्होंने योम आज़ादी मनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें प्रोग्राम में गुलजार खान साहब मौजूद है, मारूफ जर्नलिस्ट है, उनके साथ तशरीफ फरमा है जी महमूद एजाज भट्ट साहब, ये एजुकेशनल एनालिस्ट हैं, टीचर भी रह चुके हैं। साथ तशरीफ रखते हैं शबीर हुसैन शाह गिलानी साहब, मारूफ आलम दीन है और चेयरमैन है महफूज शहीद फाउंडेशन के। सबसे पहले वेलकम टू द शो, आपसे स्टार्ट करते हैं गुलजार खान साहब, मुझे ये बताइएगा एज अ जर्नलिस्ट आपने क्या चेंजेस देखी जब आप एज अ यंग जर्नलिस्ट आए इस फील्ड में आए, तो कैसा तब आप एक्सपीरियंस करते थे योम आज़ादी को और अब के कैसे आप जो है योम आज़ादी को देखते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको भी सबको भी योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया उस वक़्त जश्न आज़ादी जो है हम लोग जो मैंने देखा बतौर जर्नलिस्ट कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे झंडे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, डांस उनका चल रहा होता है और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है और फिर लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो ये खुशी का एक मौका है। अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट सी है, लोग इस तरह खुशी मनाते हैं, ये हम जो जर्नलिस्ट हैं हम उसकी कवरेज के लिए जाते हैं। आज भी मुझे याद आता है कि जी के पहले जब हम घर होते थे तो उस वक़्त हमने झंडी लगानी है, झंडियाँ लगानी है, घर को सजाना है, गेट के ऊपर लगाना है, गली में लगाना है, छत के ऊपर झंडा लहराना है। आज हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं और फिर जब लोग झंडा लहराया जाता है और आतिशबाजी शुरू होती है, नारेबाजी शुरू होती है, तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कहीं कोई इशू ना बन जाए। आज हम सिर्फ जिम्मेदारी पूरी कर ली, आज भी दिल करता है कि उसी तरीके से घर में झंडियाँ लगाएं। अब जो बच्चे हैं ये ख्वाहिश हम बच्चों के ज़रिए पूरी करते हैं हम लोग, मतलब बच्चे अब पहले तो इस तरह नहीं था कि शर्ट्स आ जाएँ, लिबास आ जाए, ऐनक आ जाए, अब जो है ना हर तरह का आपको लिबास मिलता है पाकिस्तान के झंडे जैसा, उस पर पाकिस्तान के झंडे बने होते हैं। तो फिर वो बच्चे जैसे 1 अगस्त आती है तो उनकी ख्वाहिश शुरू हो जाती है कि जी के वो हमें शर्ट्स लेके दें, पैंट्स लेके दें, शलवार कमीज़ लेके दें, हमने पहननी है 14 अगस्त को। पहले झंडियाँ जो मिलती थी वो बड़ी सिंपल सी झंडियाँ होती थी, आज उसमें बड़ी जिद्दत आ गई है। पहले झंडियाँ लगती थी तो अगर कहीं बारिश आ जाए तो वो झंडी उस वक्त ख़राब हो जाती थी, अब तो हाँ बरसात का मौसम भी अमूमन होता है इस महीने में, तो आज जो है ना इसमें जिद्दत आने के साथ हमें वाकई वो एक जब झंडी लगा लेते हैं तो 4-5 दिन वो कैम रहती है। अब झंडा भी जो है वो ऊंचा से ऊंचा लगाया जाता है, बड़े से बड़ा लगाया जाता है,
बच्चे कपड़े पहनते हैं, तो वो एक सेलिब्रेट जो है ना, वो जो खुद करना चाहते हैं वो बच्चों के जरिए सेलिब्रेट करा। गुलजार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क आया आपके बचपन में और आजकल के जो बच्चे हैं उनकी सेलिब्रेशन में, आपकी सेलिब्रेशन में, एक जनरेशन जो थी एक चेंज हो गई है जनरेशन से, अब क्या फ़र्क आप देखते हैं, पहले जो था आपके बचपन में कैसा था और आज के जो बच्चे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क आप समझते हैं? आज ज़्यादा शिद्दत है जी, मैं समझता हूँ आज दिल से ज़्यादा मनाया जाता है। पहले इस तरह की खुशियाँ मनाना जो है ना वो एक मखसूस तबके तक होती थी, आजकल ऐसा नहीं है। आज हर आदमी जश्न मनाता है और हर आदमी को ज़्यादा एहसास है कि जी ये वतन की वजह से हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं और ये वतन है तो हम लोग मौजूद हैं और हमारी ज़िंदगियाँ भी महफूज हैं, हमारा माल भी महफूज है। वो आज ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जज्बे से और ज़्यादा शिद्दत से मनाया जाता है। पहले शायद इसके इस तरह पैसे नहीं लगते थे जश्न आज़ादी मनाने पे ज़ाती तौर पे ना, आज हर आदमी बाकायदा इसको एक इवेंट के तौर पर इसको मनाते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा वतन है, हमें इससे मोहब्बत का जितना भी इजहार है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे गुलजार साहब ने कहा कि इवेंट की तरह मनाते हैं, तो अब मैं चाहूंगी कि महमूद इजाज बट साहब आप हमें बताएं, आप एजुकेशनल एनालिस्ट भी हैं, बेसिकली आपने क्या देखा, अगर आप एडवाइजर भी रही हैं तो एजुकेशनल फील्ड में क्या हम इस पे बहुत पीछे आ गए हैं कि हमने पेट्रियाटिज़म अपनी यूथ में इंडल्ज करना है, या हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, आगे बढ़ गए हैं? पाक स्टडीज़ की बुक में भी हमने बड़ी अपना ग्लोरियस पास्ट जो है दिखाया, आप सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह चेंजेस आए हैं पुराने वक्त से लेके अब के वक्त तक? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को जश्न आज़ादी मुबारक और ख़ुसूसी तौर पे हक न्यूज़ को आज के इस ग्रेसफुल जो इवनिंग है इसको अरेंज करने की जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा कॉम्पैक्ट है। मैं आपको बताऊँ कि जब पाकिस्तान और जश्न आज़ादी और तहरीक आज़ादी, जब ये वाले अल्फाज जो हैं वो आपके सामने गूंजते हैं या कोई लेता है, तो आप यानी कि फिर जो है ना रीज़निंग उसमें मैं समझ तो हायल नहीं रहती, उसमें हमारे जज्बात शामिल हो जाते हैं, उसमें हमारी एक इन फुल स्विंग हमारा जो ब्लड है ना वो ज़रा तेज़ दौड़ना शुरू हो जाता है, जोश जज्बा पैदा हो जाता है। तो लिहाजा तहरीक आज़ादी, जश्न आज़ादी और पाकिस्तान का जो ये सब्ज़ रंग है, मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि तालीमी अदारों में इसका क्या ट्रेंड रहा है और पहले कैसे लोग मनाते थे या इंस्टीट्यूशंस में कैसे है, जो मुझे याद पड़ता है कि इसके साथ अपने बचपन का भी बताइएगा। जी जी, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ जी कि हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, हम ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं और प्राइवेट स्कूल्स का तो जो सेक्टर है बाद में डेवलप हुआ है, ग्रूम हुआ है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, वो 14 अगस्त जो है उस दिन हमारी सेलिब्रेशन होती थी, स्कूल्स में आना लाजिम था और हम 1 अगस्त से ही, अगर समर वेकेशन भी होती थी तो हमें टास्क मिल जाता था कि जी आपने नज़्म पढ़नी है, आपने शायरी करनी है, आपने टेबलो पेश करना है। अच्छा, फिर हम सिटीज़ में, देहातों में भी मार्शल आर्ट्स के शोज़ होते थे और सिंगिंग के, तरानों के शोज़ होते थे। ये हमारे बचपन में भी ये ट्रेंड रहा है, लेकिन जैसा कि खान गुलजार साहब ने अभी कहा, मैं इनको सेकंड करता हूँ कि अब ज़्यादा शिद्दत आती जा रही है। ये जो सोशल मीडिया है इसने ये सेलिब्रेशंस जो हैं ज़रा डिजिटलाइज कर दिए हैं और इसको एक्सपेडाइट कर दिया है। और बाकी रही बात के कैफियत की, मैं आपको बताऊँ कि कैफियत ये है कि ये जो पाकिस्तान है ये सागा ऑफ सक्सेस है, ये एक ऐसी एपिक है कि सीना बसीना चल रही है। ये पाकिस्तान 47 में हम कहते हैं बना है, तो खैर मैं आपको किसी का कॉल बता देता हूँ, कायदे आज़म ने भी उसको जो है किसी जगह अपनी याददाश्तों में लिखा है कि किसी सूफी ने कहा था कि पाकिस्तान यानी कि उस दिन बन गया था जिस दिन यहाँ पे पहला मुसलमान हुआ था। हिंदुस्तान में जब पहली कन्वर्जन हुई थी, एक हिंदू पहला मुसलमान बना था, पाकिस्तान तो उस वक्त बन चुका था। तो लिहाजा कैफियत ये है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और हमारी ये जो सेलिब्रेशंस हैं, और मैं समझता हूँ आप जैसे जो चैनल्स हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं, आप भी देखें इन सेलिब्रेशंस को और इन इन इस इन जज्बात को आप फ़रोग दे रहे हैं
और एक अच्छा एक तासुर पाकिस्तान का, एक पॉजिटिव पाकिस्तान का जो तासुर है वो डेवलप कर रहे हैं। तो मैं इस इवेंट पर आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, आपकी टीम को, आपके प्रोड्यूसर्स को, आपके कैमरामैन को। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा हर साल इसी तरह ही हमें बुलाते रहें, हम भी आपके साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल होते रहें। सेलिब्रेशन का बताइएगा, अपने बचपन में आप स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ बताइएगा कि आप खास करते थे। हम 1 अगस्त को अपने घर में जो है कोशिश करते थे मोहल्ले में सबसे बड़ा झंडा हमारा हो, और हम देखते थे कॉम्पिटिशन होता था गली के लोगों के साथ। अच्छा, फिर ऊंचा भी होना चाहिए, हम एक वो लगा लेते थे झंडा, जब 8 या 9 अगस्त आती थी तो कोई और हमसे ऊंचा लगा लेता था, फिर हम उसे उतारते थे, फिर हम उसकी हाइट और बढ़ाते थे कि जी हमारा झंडा सबसे ऊंचा है। तो इस तरह का एक कम्पिटेटिव फिजा थी। फिर ये है कि कोशिश करते थे कि अच्छा, उन दिनों जो है ना टी शर्ट्स वगैरह इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन ग्रीन कलर की कोशिश की जाती थी, और फिर साइकिल रेस, उस वक्त की मोटर बाइक्स की रेस, वॉक वगैरह का बंदोबस्त, वन व्हीलिंग नहीं होती थी, सिर्फ रेस होती थी, तो नहीं होती थी, टू व्हीलिंग थी, लेकिन वो टू व्हीलिंग पाकिस्तान के लिए होती थी, बिल्कुल ऐसा, और पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस के लिए होती थी। और उस वक्त SMS या WhatsApp या ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन यकीन कीजिए कि खलूस और अकीदत भरपूर होती थी। और अगर कोई शख्स, हम TV पे भी देखते थे ना पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, और बिल्कुल सारा दिन वहां पे जश्न आदि के प्रोग्राम चल रहे हैं, बड़े शौक से हम देखते थे टीवी, शौक से देखते थे। और आप यकीन कीजिए कि जो नगमे हैं या जो तराने हैं, होटल्स वाले और जो चाय वाले और छोटे छोटे होटल्स जो बिल्कुल होते हैं, वो लगा के रखते थे, वो ऊंची आवाज में, उनकी जो एको है वो बड़ी दूर तक जा रही होती थी, साउंड बड़ी दूर तक जा रहा होता था। यानी कि 14 अगस्त की आप कह लें या 13 अगस्त की रात और अगले दिन सारा, ये 24 घंटे जो है ना, बस कानों के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान ही की आवाज आती थी, और कोई आवाज नहीं आती। बिल्कुल जबरदस्त। सो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, शबीर हुसैन शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मारूफ आलमे दीन हैं, इसके साथ चेयरमैन महफूज शहीद फाउंडेशन भी हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल शबीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने बचपन में किस तरह जो है योम आज़ादी मनाया और आज आप किस तरह मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले गुलजार खान साहब ने और डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में माजी की यादों से हम सबको भी रोशनास किया कि किस तरह ये बचपन में और फिर अपने जो एजुकेशन के अयाम थे उनमें किस तरह ये खूबसूरत दिन मनाते रहे। और ये तकरीबन जो आज़ादी का दिन मनाने का जो अंदाज़ है ये तकरीबन सेम है। हम चूँकि ज़िंदगी का हमने ये बचपन देहात में गुजारा है, तो देहात में हमने ये महसूस किया है कि जिस तरह आजकल देहात में बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ और बहुत ज़्यादा इसको बड़ी गर्मजोशी के साथ मनाया जाता है, आज से आप अगर 30 साल 25 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त माहौल थोड़ा मुख्तलिफ था। यानी जिस तरह अब हमें जोश जज्बा नज़र आता है, बच्चे हम देखते हैं कि कलरफुल कपड़े पहनते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, ये शायद इस तरीके से पहले नहीं था। झंडे उस वक्त भी लगाए जाते थे और बुज़ुर्ग लोग बैठ के गुफ्तगू भी किया करते थे यौम आज़ादी के हवाले से। और मैंने ऐसे देखा है कि देहात पर, चूँकि हमारे इलाके में भी कुछ आबादियाँ ऐसी थीं जिनमें हिंदू रहा करते थे जो माइग्रेट करके यहाँ से चले गए, तो बुज़ुर्ग उस दिन जब बैठते थे तो वो उस दौर की बातों का भी तज़किरा करते थे कि और साथ बताया करते थे कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हिंदू का मकान हुआ करता था, फ़लाँ जगह पे उसकी दुकान हुआ करती थी, तो फिर उसका एक बेटा था वो ऐसा था। तो उनके भी चूँकि ज़ाहिर है वो पहले इकट्ठे रहते थे तो उनको भी याद करते थे कि इस तरह जब ये पार्टीशन हुई तो फिर वो यहाँ से चले गए। तो बहरहाल सादगी के साथ ही ये दिन मनाए जाते थे, और फिर जब वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरा तो उस पर तब्दीली भी आई। अब तो देहात और शहर में कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह हम देखते हैं कि शहर में गर्मजोशी के साथ और लोग बहुत एहतमाम के साथ इस दिन को मनाते हैं, उसी तरह देहात में भी अब इस दिन को मनाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जो बुज़ुर्ग उस वक्त जिन्होंने वो मनाजर देखे थे कि किस तरह कुर्बानियों के साथ जदोजहद के साथ ये मुल्क हासिल किया गया, वो तो यकीनन जितनी कदर वो कर सकते हैं, जितनी अहमियत पाकिस्तान की वो महसूस कर सकते हैं, उतनी तो शायद हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन दरमियान में जब कुछ अरसा बीत गया तो हमने ये महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो समझ नहीं रहे थे कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो अब गुज़श्ता 10-12 बरस से एक बार फिर ये महसूस हो रहा है कि बिलखसूस नौजवानों में भी और जो बड़े लोग हैं उनमें भी ये जज्बा दोबारा से
जो वतन की मोहब्बत का है ये फिर जोर पकड़ रहा है और ये एहसास भी पैदा हो रहा है कि ये पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिलखसूस जब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, गुजरात में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मकबूज़ा कश्मीर में जो हमारे भाई मुसलमान बसते हैं वो किस तरह जबर की वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह वो जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम वहाँ के मुसलमानों के हालात देखते हैं तो फिर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है कि अगर ये हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत करके कुर्बानियाँ देकर ये अगर आज़ादी की नेमत और ये मुल्क हासिल न किया होता तो आज शायद हमारे हालात भी उसी तरह होते जिस तरह गुजरात में बसने वाले मुसलमानों के हैं या मकबूज़ा कश्मीर में बसने वाले हमारे भाइयों के हैं। तो आज के दिन हमें यहाँ पर एक तो ये कि हम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ादी का सफ़र है अभी इसमें हमारा भी बहुत सारा इसमें रोल बनता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिद्दोजहद की, मेहनत की, पाकिस्तान को हासिल किया। एक तो हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है और दूसरा यह है कि मैं समझता हूँ कि असल हमारी आज़ादी की खुशी मनाने का दिन वो है कि जिस तरह हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जब श्रीनगर में भी इसी तरह खुशियाँ मनाई जाएंगी, केक काटे जाएंगे, वहाँ के लोग भी इसी तरह इसी जज्बे के साथ आज़ाद होकर आज़ादी मनाएंगे तो वो यकीनन हम सब के लिए कामिल खुशी का और कामिल आज़ादी का दिन होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो दिन करीब ही है। हमने अपने गेस्ट से जाना कि किस तरह वो पहले जो है योम आज़ादी मनाते थे, किस तरह अब मना रहे हैं। हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि शऊर के आने के साथ साथ जो है क्या चेंजेस आ गई हैं हमारी सोसाइटी में, क्या फसाद ज्यादा बढ़ गया है या लोग पुरअमन हो गए। एक छोटे से ब्रेक जाने पड़ते हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम जश्न आज़ादी के रंग हक न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जश्न आज़ादी के रंग हक न्यूज़ के सन और मेरे साथ मौजूद हैं महानूर और आज हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में। जो हमने कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान के हवाले से, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियां दी थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमने जो हमारे गेस्ट थे उनसे हमने ये पूछा कि बचपन में कैसे जो है वो सेलिब्रेट करते थे। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुलजार साहब से हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में अब तक आप समझते हैं कि कितनी तरक्की हुई है और हमें आगे कहाँ जाना है और कैसे तरक्की आगे पाकिस्तान को लेके चलना है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने क़याम से लेकर अब तक बहुत तरक्की की है। आप किसी भी शोबे को ले लें तो आपको वहाँ तरक्की नज़र आती है। अब ये तरक्की का मतलब जो है किसी दूसरे सेंस में लेना कि क्या मसाइल हल हो गए हैं या इशू ज़्यादा हो गए हैं, वो अपनी जगह पर है। कौम बनते हुए यहाँ चीन जब एक कौम बनी जाती है तो उसको 500 साल लगे थे। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी एक कौम बनते हुए, एक मुल्क को इकट्ठे होते हुए वहाँ पे भी सैकड़ों साल लगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना एक कौम बनने का, इसको एक तवील अरसा चाहिए होता है। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये रही कि हम मुख्तलिफ इश्यूज़ में उलझते रहे जो ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। फिर हमें यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा। जो लीडरशिप आती रही जब वो अपने पीक पे होती थी, जब उसके साथ तजर्बात आ जाते थे, तो उस वक़्त वहाँ पे बदइत्मादी का भी एक आंसर सामने आता रहा। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जिस दिन बना है 27 रमज़ान को मुबारक की रात को, अब ये जहन में रखें ये पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और इसमें मसाइल तो हमें ज़रूर पेश आएंगे, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ये एक कौम बनाने में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये हमारा जो प्रोसेस चल रहा है पॉलिटिकली, ये हमें आगे बढ़ेंगे, हम लोग हम इन मसाइल से निकलेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी के जब भी मुख्तलिफ स्टेप हमारे आते हैं तो हम एक उम्मीद लगाते हैं, तो ये हमें अपनी उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। हमारा वतन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अपना किरदार ज़रूर अदा करें कि बतौर इंसान मेरा इस माशरे में ये किरदार होना चाहिए, इस पाकिस्तान के लिए किरदार होना चाहिए। जैसा हम अपने घर में अपना किरदार अदा करते हैं बड़े होने का, छोटे होने का, तो ये रोल हमें पाकिस्तान के अंदर भी किरदार अदा करना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी गहराई में अगर हम इस बात को लेके जाएं, तो मेरा शिकवा बनता है अपने लोगों से कि हम अपने मुल्की मामलात से लातअल्लुक रहते हैं। एक भीड़ चाल की सूरत हाल हमारी बनती है, अगर कोई कह देता है जी कि ये बहुत अच्छा है तो फिर उसको उसकी अच्छाई शुरू हो जाती है, अगर ये बुरा है तो फिर उसको बुराई करना शुरू कर देते हैं। टेम्परामेंट नहीं रहा अब हमारे अंदर, तो ये जो चीज़ें ना, ये हमें थोड़ा सा इस बारे में सोचना है। हमें अपने मुल्की मामलात में लाजमन अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि जी कि ये कौन सी पॉलिसी है, किस तरह की पॉलिसी है, ये नहीं ये होनी चाहिए। लड़ना नहीं हमने, लेकिन यह है कि अपने अपने ख्याल का इजहार करना है, अपने जज्बात का भी हमें इजहार करना चाहिए, अपनी सोच का इजहार करना चाहिए और दलील के साथ करना चाहिए, अपने अंदर टेम्परामेंट रखना चाहिए। देखें जब बच्चा होता है ना, वो पहले छोटा है, उसको बैठना नहीं आता, फिर वो बैठता है, फिर वो रींगना शुरू करता है, फिर वो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करता है, फिर वो भागना शुरू करता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर एक एक टाइम आता है उसकी एजुकेशन मुकम्मल होती है, फिर वो उसकी शादी होती है, फिर बच्चों का बाप बनता है, फिर उसके बाद ज़िंदगी का उसका सफ़र भी तमाम होता है। तो हमें ये स्टेप उठाने हैं, तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। गुलजार साहब, लेकिन अगर टेम्परामेंट के हवाले से बात करें, जर्नलिस्ट के टेम्परामेंट के हवाले से बात करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर फील्ड में लोगों की तादाद ज़्यादा होती रही, जर्नलिज्म में भी ज़्यादा हुई, तो हमें ये लगता था पहले, और ये होता भी है कि जब आप कोई भी फील्ड किसी पीक पे जा रही होती है तो टेम्परामेंट फौरन यूज़ कर देते हैं, जर्नलिस्ट भी समटाइम्स अपना टेम्परामेंट लूज कर देते थे। व्हाट डू यू थिंक कि जो पहले के जर्नलिस्ट थे वो उनकी ट्रेनिंग शायद डिफरेंट तरह हुई थी, आजकल जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो जर्नलिस्ट है, तो आपको क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या टेम्परामेंट हम लोगों का ठीक होना शुरू हो गया, या अब हम जो है ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं हर चीज़ पे और हमें बिल्कुल सब्र तहम्मुल नहीं आता? तनकीद ज़्यादा हो रही है, कहने का मकसद जो है, देखिए ना, ये जर्नलिस्ट भी जो है ना, ये इसी माशरे का हिस्सा है। तो जब अगर माशरे में टेम्परामेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसके असरात जो है एक जर्नलिस्ट पे भी पड़ेंगे, वो भी इस माशरे का हिस्सा है और उसके अंदर भी टेम्परामेंट की कमी आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सोशल मीडिया आने के बाद, एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद, तो ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, हम बड़ी तेज़ी से अपने ख्याल का इजहार कर देते हैं और बगैर सोचे समझे कर देते हैं। तो इस वजह से ये कहना कि जी कि शायद जर्नलिस्ट के अंदर टेम्परामेंट नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप इस मुल्क के किसी भी तबके को उठा के देख लें, आप नाम ले लूँ, अगर आप जजेस को उठा के देख लें, आप टीचर्स को देख लें, इस तरीके से आप पॉलिटिशियंस को देख लें, तो आप यकीन करें कि वो भी इसी माशरे के हिस्सा हैं। ये माशरा उन पर भी असरात डालता है, तो जब वो असरात उनके ऊपर माशरे के पड़ेंगे तो फिर उनके अंदर भी वो खामियाँ या खूबियाँ भी पैदा होंगी, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, लम्हों में बात का डिसीजन भी कर गुजरेंगे, किसी को अच्छा कहना है तो उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान कर देंगे, फरिश्ता सा बना देंगे, अब किसी को बुरा कहना है तो दुनिया जान की बुराई उसके अंदर आ जाएगी। तो ये टेम्परामेंट जो है ना, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है हमारे जो मेरी एज के लोग हैं, मुझसे जो 10 साल बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों के अंदर टेम्परामेंट लाने की कोशिश करें। अगर वो ख़ुद टेम्परामेंट का इजहार करेंगे और अपना टेम्परामेंट शो करेंगे तो उनके बच्चे भी आगे से उनको देखेंगे, क्योंकि बच्चे की नज़र में उसको जो वालद होता है, उसकी जो वालदा होती है, उसका जो बड़ा भाई होता है, वो उसकी नज़र में हीरो होता है, वही उसकी नज़र में रोल मॉडल होता है। आपसे हम आगे चलेंगे इजाज़ साहब से, बिल्कुल यहाँ से ही हम बात को आगे लेके चलते हैं, जिन्होंने बात की बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो अब तक की सिचुएशन है एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पे बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत में क्या कोई कमी आई है या उसमें इजाफा हुआ है, आप क्या इस तरीके से देखते हैं कि जो गुलजार साहब बात कर रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको जो है वो सिखाना चाहिए बच्चों को इस बारे में कि एक टेम्परामेंट डेवलप करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, ज़्यादा तनकीद नहीं करनी, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शुक्रिया। अच्छा, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ख़ान साहब ने बहुत अच्छा कहा कि कौमें जो है ना एक टाइम लेती हैं, एक सफ़र है, लंबा सफ़र है कौमों में, लेकिन याद रखिए कि जो कौमें होती हैं ना, इनको एक बेहतरीन
माँ की गोद भी चाहिए, एक नर्सरी चाहिए कि जहाँ वो कौमें जो हैं अपना शुरू का 5 साल जो एकेडमिक ईयर्स हैं उनकी वो जो दरसगाहें हैं उनमें वो तमाम मवाद, तमाम वो ट्रेनिंग मटेरियल उनको अवेलेबल हो, ताकि उनके जहनों में, उनके दिलों में, उनके कलूब में वो तरबियत के नकूश सब्त हो सकें कि वो बड़े होकर वो तरबियत झलके माशरे के अंदर, उनके चलने में, उनकी गुफ्तगू करने में, उनके जो सोशल अफेयर्स के अंदर, उनके अपने रिश्तेदारों से मतलब जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, उनमें झलके। मसला ये है सारा कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, सोशो इकोनॉमिक और जो सोशल फैब्रिक है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है और जो कोड ऑफ टेम्परामेंट भी है जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, उसकी थोड़ा सा हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें कमी रही है। हमारे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं ये मार्क्स तो दिलवाते हैं बच्चों को और दिलवाते रहे हैं, और हम अपना करिकुलम तो पढ़ाते हैं उनको, उनको ज़िंदगी नहीं पढ़ाते। तो ज़िंदगी एक और चीज़ है, करिकुलम एक और चीज़ है, तो इसमें एक फ़र्क करना पड़ेगा हमें। बाकी ये है कि मैं आपकी वसातत से ये कहता चलूँ कि जो पाकिस्तान है 47 से लेकर अब तक, ये एक कामयाब पाकिस्तान है, ये एक फेलियोर स्टेट नहीं है, ये जागता पाकिस्तान है, ये बोलता पाकिस्तान है, ये आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान है। अगर आपने इसकी, मैं 2-4 मिसालें देता हूँ, हमें जब पाकिस्तान मिला तो आप देखें कि हमारे पास एक जो है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी। आज हमारे पास 284 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमें जब पाकिस्तान मिला उस वक़्त 5 हॉस्पिटल थे पूरे इस खत्ते में, आज हमारे पास कोई 2000 हॉस्पिटल्स हैं। तो ये बढ़ता हुआ पाकिस्तान है। आप रेलवे ट्रैक्स देख लें, आप ये मेट्रोस देख लें, आप अपने शॉपिंग मॉल्स देख लें। मैं आपको बताऊं, जो लोग इंडिया जाते हैं, हमारे दोस्त कई गए हैं और मुख्तलिफ हमसाया ममालिक में गए हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं और वो हमारे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर पाते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्टर हैं उनके, इंडिया के, उनकी एक वायरल हुई है यूट्यूब पे, गिपरी के बाल जी जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जो शाहराहें पाकिस्तान में देखी हैं, जो पाकिस्तान के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखा है, वो जो कपड़े पहनते हैं वो हिंदुस्तान से बहुत आगे, वो बेहतर हैं, यानी डेवलप्ड हैं। तो लिहाजा इस कामयाब पाकिस्तान को, इस बोलते पाकिस्तान को, इस बढ़ते हुए पाकिस्तान को सिर्फ ज़रूरत है, वो मैं सेकेंड करूँगा गुलजार साहब की बात को, कि क़यादत का फुकदान है। लेकिन यहाँ पे ये भी सबमिशन बड़ी ज़रूरी है कि मैं सलूट करता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, जिनको क़यादत मिले या ना मिले, वो अपना झंडा खुद लेकर अपनी क़यादत खुद करनी शुरू कर देते हैं। आज जिस जगह हम, जिस स्टूडियो पे बैठे हैं, इनको गवर्नमेंट ने कोई फंड नहीं दिया कि जी आप ये जर्नलिज्म या ये जो मीडिया स्टडीज़ का ये सेंटर बनाएं या ये आप चैनल इस तरीके से चलाएं। अपनी मदद आपके तहत हक न्यूज़ ने जिस तरह सफ़र किया है, इस तरह की कई एंटरप्रेन्योर्स की मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो भी हमें किसी गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो 22 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब पाकिस्तान को ऑन करते हैं, और वो प्योर पाकिस्तानी हैं। वो किसी SDO, एक्सियन, किसी DC की तरफ, किसी कमिश्नर की तरफ नहीं देखते, वो सिर्फ अपने पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अपने करियर की तरफ देखते हैं, अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। अगर सब इसी तरह करना शुरू कर दें, यकीन कीजिए हमारे ये गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और पाकिस्तान एक चमकता, एक ताबिंदा सितारा जो बन के दुनिया में इंशाल्लाह जरूर उभरेगा। महमूद इजाज साहब, आप बेसिकली एजुकेशनल एनालिस्ट भी हैं, तो आपने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ता रहा, क्या सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई और सिर्फ क्वालिटी इंक्रीज हुई? आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आप टीचिंग भी करते रहे, हमारे लिए जैसे अदनान ने भी बात की, तनकीद करना अच्छा, आसान है सोशल मीडिया पे। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मानूर, इसमें मेरा एक प्रोग्राम था 1-2 दिन पहले किसी जगह, मैंने वहाँ पे कोट की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एक फोरम है जो कि इंटरनेशनल कुछ अदारे हैं उनका एक ज़ेली फोरम है, पाकिस्तान उसमें 94th नंबर पे है, 94th नंबर पे है। इसको, इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जो आपके एजुकेशनल सेटअप्स जितने भी हैं और आपके इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग किसी एग्जाम में बैठे हैं तो पाकिस्तान 94 नंबर पे वैसे आता है उस फॉरम के ऊपर। अब बात यह है कि वो तो इंटरनेशनल रैंकिंग है, उसमें हम ठीक है 94th पे हैं, लेकिन मसला यह है कि 94 से उसको यानी कि नीचे लाने के लिए या पहली सफ में लाने के लिए सिर्फ जो है बातें नहीं,
उसमें ज़रूरी ना, उसमें हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है, रियासतों का बहुत बड़ा रोल है, उसमें आपके टेक्नोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल है, उसमें असातज़ा का, उसमें माँ बाप का, सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो वो जो आपने क्वालिटी की बात की, जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया, वो नीचे आ सकता है, हम आगे जा सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो है अपने हिस्से की कोई शमा तो जलाते जाते कहते हैं ना। अब हम शबीर हुसैन शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, उनसे हम ये पूछते हैं कि उलमाए किराम का किरदार मुआशरे की तामीर और तरक्की में क्या है और आप आजकल के सिनेरियो में कैसे देखते हैं उसको। जी, उलमाए किराम का किरदार किसी भी माशरे में और बिलखसूस इस्लामी माशरे में वो इंतहाई आम है। आप अगर हमारी जो इस्लामी तारीख है उसका मुताला करें तो आप देखेंगे कि जो इस्लाम के इब्तदा से आप देखें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें मस्जिद को एक मरकज़ी हैसियत रही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हुई, लेकिन इस दौर में भी मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम अपना किरदार अगर मुअस्सर तरीके से, ज़्यादा मुअस्सर तरीके से अदा करें तो माशरे में बहुत सारी जो इस वक्त खराबियाँ हैं उनका तदारक हो सकता है। और इस वक्त जिस तरह पहले गुलजार ख़ान साहब ने भी बात की कि हमारे यहाँ तालीम तो फिर भी इदारे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो असल मसला है वो है कि तरबियत का निज़ाम उस तरह नहीं है। तो तरबियत के लिए ज़ाहिर है कि न सिर्फ ये कि वालदेन को किरदार अदा करना चाहिए, उलमाए किराम को किरदार अदा करना चाहिए, और फिर जो हमारे ये स्कूल कॉलेजेस हैं इनको भी इस मसले पर गौर करके अपने जो तंजीम, जो हमारा तालीमी जो सिलेबस है उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जब कुछ हासिल करे तो उसके साथ ज़रूरी है कि उसकी तरबियत भी हो, उसके सामने उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद भी हो कि मैंने क्या करना है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो मायूसी फैलाते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं मिसाल एक रखता हूँ कि हम जब ये देखते हैं जी कि हम कंपेरिज़न करते हैं कि इस वक्त हम किस साल में कहाँ पे खड़े हैं, तो इसके दो अंदाज़े कंपेरिज़न करने से, एक तो यह है कि हम देखते हैं जी कि हमारे ये हालात हैं और यूरोप में ऐसे हालात हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और ये गल्फ़ में इस तरह हो रहा है, हमारे पास ये सहूलतें नहीं हैं और अमेरिका में ये सहूलतें मौजूद हैं, तो हम तकाबुल करते हैं अमेरिका के साथ, हम तकाबुल करते हैं यूरोप के साथ, चाइना के साथ और गल्फ़ के साथ, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर ये समझना चाहें कि हम कितना आगे बढ़े हैं तो हम अपने माजी के साथ अपना तकाबुल करें। हम ये देखें कि हम 60 साल पहले कहाँ थे, 50 साल पहले कहाँ थे, 40 साल पहले कहाँ थे, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम पीछे गए हैं, तो हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए कि जो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमने वहाँ पर कारकर्दगी नहीं दिखाई और वहाँ से हम जहाँ पर आज से 30 साल 40 साल पहले थे वहाँ से भी अगर पीछे चले गए हैं तो हमें अपनी उन खामियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम आगे बढ़ें। यानी आप देखें कि ये जो रोड्स हैं हमारी, ये अगर आप इसका तकाबुल करें आज से 30 साल पहले 40 साल पहले, तो इस वक्त हम बहुत बेहतर अपनी आप को महसूस करते हैं। कुछ चीज़ें जिनमें हम पीछे गए हैं तो वो देखिए, हमारे इदारे जिस तरह रेलवे है तो रेलवे हमारा बजाय आगे बढ़ने के पीछे जा रहा है, स्टील मिल हमारी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है, इसी तरह हमारी PIA है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम पीछे गए, तो हमें ऐसे सेक्टर्स का तयन करके जो हमारे अरबाब बस्तों कुशाद हैं उन्हें पूरी दयानतदारी के साथ और इखलास के साथ कोशिश करनी चाहिए कि मसाइल काल करें, और कौम को भी उनका साथ देना चाहिए। और फिर जिन चीज़ों में हम आगे बढ़ें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने तज़किरा किया कि एजुकेशन के हवाले से, अगरचि इस वक्त भी हम इस जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है ये तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं। एक कोई शख्स जिसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं इल्म हासिल करूँ, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो इदारे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ यह है कि हम अपने बच्चों को साथ जब ये बाकी चीज़ें उनको देते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम अपनी बच्चों के अंदर ये सोच भी पैदा करें। आप देखें कि एक बंदा है वो एक घर चलाता है, तो वो जब अपनी जो उसकी 30 साल 40 साल की जो ज़िंदगी है उसको कहीं बैठ कर डिस्कस करता है तो वो कहता है मैंने ये भी बनाया है, मैंने ये भी दिया है,
मैंने अपनी फैमिली के लिए ये कुछ किया है। तो हम जब अपने घर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा फोकस ये होता है कि हमने अपनी फैमिली को, अपने घर को दिया क्या है। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो हम कहते हैं जी इस मुल्क ने हमें दिया क्या है। तो हम अगर मुल्क के बारे में भी इस तरह सोचें, एक बंदा 40 साल अगर मुल्क में रहा है, वो किसी सीट पे बैठा रहा है, इस मुल्क ने उसे बहुत कुछ दिया है, तो वो अगर इस हवाले से देखे कि मैंने इस मुल्क को क्या दिया है, तो जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो यकीनन मुल्क के हालात ज़्यादा बेहतर होंगे। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा है, अब जो कोरोना वायरस का जो है पिछले कुछ 4-5 महीने से पाकिस्तान में केसेस की तादाद बढ़ती रही, लेकिन हमारी कौम ने जो है वो एक कौम होने का सबूत देते हुए जो है इस वक्त कंट्रोल हो चुका है और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक तादाद कम हो चुकी है। वो जो केसेज जो पहले 6-7 हज़ार पे जा रहे थे, आज वो 300-400 पे आ चुके हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अगर देखा जाए तो इस वक्त 50-60 हज़ार केस डेली के आ रहे हैं और तकरीबन 1,000 से ज़्यादा डेथ वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने इस वायरस का मुकाबला जो है वो किया है, डटकर किया है, और सब लोगों ने कोशिश किया है कि SOPs पे अमल कर सकें। कुछ हजरात ने थोड़ा सा वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त हम पाकिस्तान में वायरस को तकरीबन कंट्रोल कर चुके हैं और 90% से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं लोग, और सिर्फ डेथ रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे आप लोगों ने बात की कि जी हम एज ए नेशन जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल कि ये जो उनका बात है ना कि जी कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया और मैंने पाकिस्तान को क्या दिया है, ये पाकिस्तान मेरा वतन है, मेरे बच्चों का वतन है, ये पाकिस्तान मेरा बाप अजदाद का वतन है, तो हमने अपने वतन को सब कुछ देना है। जिसे ये नज़रिया आ गया ना कि हमने पाकिस्तान के लिए मैंने सब कुछ करना है, उस दिन हम आगे बढ़ें। अपने मुल्की मामला से लातल की पूरी कौम ख़त्म करें, हम सबको अपने लातल की ख़त्म करनी होगी। अगर मैं अपने घर के हवाले से हर मामले से उसका तल्लक रखता हूँ और वहाँ लातल्की का इख्तियार नहीं कर सकता, तो जो वतन है कि जिसमें मेरे प्यारे बसते हैं, जिसमें मेरे अपने बसते हैं, जिसमें मैं खुद बसता हूँ, उससे मैं अपनी लातल्की क्यों किया? सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। और ये नहीं कि जी के पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, ये होना चाहिए जी कि मैंने जब मैं 41 साल का हुआ तो मैंने पाकिस्तान को क्या दिया, फिर ये होना चाहिए 42 साल का हो गया हूँ तो अब मैंने पाकिस्तान को क्या देना है, 43 साल में मैंने पाकिस्तान को क्या देना। हर रोज हमें पाकिस्तान को कुछ देना है। अगर हम पाकिस्तान को कुछ देंगे, अपने साथ ईमानदारी करेंगे, तो हम पाकिस्तान को देंगे। तो मैं तो सबसे दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि अपना सब कुछ पाकिस्तान पर लुटाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमने वतन बनाना है तो तब हमारी आने वाली नस्लें यहाँ महफूज हों। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और हम इसी के साथ साथ एक एक मैसेज जो है वो लेना चाहेंगे अपने सारे गेस्ट से। गुलजार साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैंने दे दिया पाकिस्तान को रोज कुछ ना कुछ देना, और ये स्पेसिफिक किसी एज ग्रुप तक नहीं है कि आप जवान हैं तो तब तक आप पढ़ें, मेहनत करें, आप हर लेवल पे पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं जश्न आज़ादी के रंग, हक न्यूज़ के संग, और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। आप बढ़ते हैं जी महमूद इजाज़ साहब की तरफ और मुझे बताएं कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, शॉर्ट सा, क्रिस्पी सा हमारी यूथ। जी, मैसेज तो आज का ये पूरा जो आपका प्रोग्राम ही है ये मैसेज से भरपूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, एक वन लाइन मैसेज है कि आप इंतज़ार किसी का मत करें। आप कहते हैं कि जी रेस्क्यू वाले आ रहे हैं जी तो फिर मैं ये कोई अच्छा काम करूँगा, रेस्क्यू का इंतज़ार मत करें। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ार मत करें, ठीक है, वो अदारे अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से अगर मोहब्बत करता है, इस सरजमीन से मोहब्बत करता है, उसको ये सबूत देना पड़ेगा कि जी वो अपना काम खुद करे, और जहां पे भी वो देखे कि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उस काम को सरंजाम दे और पाकिस्तानी बन के सरंजाम दे। बस जब हर पाकिस्तानी 22 करोड़ लोग ऐसे करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो पाकिस्तान बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे, जश्न आजादी मनाने का हक भी अदा हो जाएगा। जी, शुक्रिया साहब, क्या कहना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, खास तौर पे उन लोगों को जो कि उलमा इकराम है और उन पे बहुत जिम्मेदारी आई है, लोग उनको फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए और हमारी जनरल पब्लिक के लिए क्या एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगे? वो किसी ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से का कोई चिराग जलाया जाए। तो मेरा मैसेज भी यही है कि बाकी ठीक है, हम मुल्की मामलात भी देखते हैं और फिर जो कमज़ोरियां हैं उनका तज़करा भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि मैंने इस मुल्क के लिए क्या किया है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें,
और दयानतदारी के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। जिस शख्स की जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ और मेहनत के साथ उसको अदा करें। इस पर सिर्फ एक मिसाल अर्ज करूँ कि एक तालिब इल्म है तो उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दे। एक शख्स है वो अगर एजुकेशन पर तवज्जो नहीं देता तो वो गोया अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहा है कि अगर वो अपनी एजुकेशन पे एक तालिब इल्म तवज्जो देगा और अच्छे तरीके से तालीम हासिल करेगा तो मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकेगा, लेकिन अगर वो अपनी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देता तो वो कल मुल्क की खिदमत भी उस तरीके से नहीं कर सकेगा। इसी तरह वालदेन हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अगर वो ज़्यादा नहीं पढ़ सके तो कम अज़ कम अपनी औलाद की जो एजुकेशन है उस पर पूरी तवज्जो दें, उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। तो जब हमारे अंदर ये सोच पैदा होगी और साथ ये एहसास पैदा होगा कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ये भी सोच यकीनन होती है कि ये रोज़गार हासिल करेगा, मेरी खिदमत करेगा, ख़ानदान को चलाएगा, लेकिन उससे भी बढ़ कर ये होना चाहिए कि मैं बच्चे को पढ़ाऊँगा, ये इस काबिल बनेगा कि इस मुल्क की खिदमत कर सके। जब हम इस सोच के साथ खुद पढ़ेंगे, अपनी औलादों को पढ़ाएँगे और तरबियत करेंगे तो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम अदनान, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पे यूथ है और बाहर ऐसे वो जो हमारे स्टूडियो में बाजा पड़ा है, वैसे बाजा भी बजा रही है, बहुत से लोग बीमार भी होते हैं, अभी अभी कोविड जो है कंट्रोल हो रहा है, घर में बुजुर्ग भी है, तो शोर शराबा जो आप ये बताएं आप घर जाके सेलिब्रेशन क्या करनी है? मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, लेकिन बाजे नहीं बजाना, ये काम मैं बचपन में बहुत करती रही हूँ, लेकिन अब आई रियलाइज की ये बड़ा गलत काम है, तो आज मैंने भी सीखा की ये काम नहीं करने। होपफुली हम सब ने बचपन में ये काम किया होगा और आपने भी किया होगा। बिल्कुल, तो एट द एंड क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा आपने प्यारे पाकिस्तानियों को कि जैसे हमने अभी बात की कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, आज से आपने ये सोचना है कि हर नए दिन में, आने वाले दिन में आपने इस पाकिस्तान के लिए क्या करना है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जैसे शब्बीर शाह गिलानी साहब ने भी कहा कि अगर आप उस्ताद हैं तो आपने क्या करना है, डॉक्टर हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ इतनी सोच रखिए कि इस मुल्क के लिए आपने क्या करना है। मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, आपने पॉजिटिव रहना है। और यूथ को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौके हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखिए, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा है और इसे तरक्की याफ्ता आपने बनाना है और हमने बनाना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जाते जाते सब मिलके एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद कह देते हैं, मिलकर लगाए नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।